अस्सलाम के व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड पार्सल। चिकन ब्रेड पार्सल बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम कीमा, चिकन का मैंने कीमा लिया है। साथ ही साथ मैंने आधी प्याली के करीब गाजर ली है और उसके साथ साथ मैंने शिमला मिर्च ली है आधी प्याली के करीब, और तकरीबन एक प्याली के करीब मैंने एक प्याज आप ले लें या हाफ कप प्याली ले लें। मैंने हरा प्याज लिया है, आप चाहे तो सादा प्याज भी ले सकते हैं। धनिया लिया है मैंने छोटी प्याली, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब है ये। मैंने लिया है टिक्का मसाला जो कि है 1.5 टीस्पून के करीब, और साथ ही साथ मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। मायोनीज ली है 2 to 3 टेबलस्पून, 2 to 3 टेबलस्पून टमाटो केचप ली है, और साथ ही साथ लेमन जूस या फिर सिरका 1.5 टेबलस्पून। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कीमे को बनाना। सबसे पहले मैं कीमा डालूंगी। मैंने 2 से 3 चम्मच घी में अपना कीमा ऐड कर दिया है। तो हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा। फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक सिरका और साथ ही साथ में टिक्का मसाला ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं, उसके बाद हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, पीस के रखा है। आप पेस्ट के तौर पर वैसे भी जो मिलता है बाजार में वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कुछ पीस कर डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब डालना है, और इस तरह से चिकन का चिकन मिक्स करें। अब हम इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1.5 टी स्पून टिक्का मसाला ऐड किया हमने इसके अंदर, और इस तरह से मिक्सअप किया। सॉस को थोड़ा सा और हिस्सा कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर सिरका यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ सिरका, मैंने सिरका भी ऐड कर दिया। हम इसको कुछ देर पकाएंगे, कम से कम 8 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे अपने कीमे को। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी सब्जियाँ ऐड करेंगे, और ये मसाले जो कि हैं मैंने 1 टी स्पून जीरा लेकर उसको भून कर पीस लिया है। 1 टी स्पून मैंने काली मिर्च भी ली है, नमक हद पर ज़रूरत ले लीजिए, और लाल मिर्च मैंने 1/2 टी स्पून ली है। ये सब मसाले जब हम सब्जियाँ ऐड करेंगे तब ऐड करेंगे, तब तक हम अपने चिकन को थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें चिकन हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसमें अपने सब्जियाँ ऐड करेंगे, प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च, धनिया ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें अपनी गाजरें भी ऐड कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से हिला लूँगी सब सब्जियों को, और उसके बाद मैं अपने इसमें नमक, लाल मिर्च, जीरा और काले मिर्च ऐड करूँगी। जीरे को हमने रोस्ट करके क्रश किया है। अब मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर देती हूँ, अब इनको अच्छे से हिला लेते हैं। अच्छे से हिलाने के बाद मैं स्टोव ऑफ, मिक्सिंग हो गई है ये देखें। अब हम क्या करेंगे, हम स्टोव ऑफ करेंगे, जिसके अंदर अपनी मायनीस और कैचअप ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। मैंने मायनीस और कैचअप इसमें ऐड कर दी है, अब हम इसको अच्छे से देखें। मैंने इसमें मायनीस और कैचअप मिक्स कर ली है, अब हम इसको अपने ब्रेड स्लाइस के अंदर सर्व करेंगे। देखिए हमने स्लाइस लिया, स्लाइस को हमने किस तरह से कट किया है। सबसे पहले हमने इसका इस साइड को कट किया, इस तरह से ऐसा ऐसा हमने इसको कट किया, इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। इसी तरह से मैं तमाम स्लाइस कट कर लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे पेन रोलर और उसको इस तरह से बेलेंगे कि ये फ्लैट हो जाए। इस तरह से स्लाइस को बेलने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपनी लई जो कि हमने मैदे को पानी में मिक्स करके बनाई है, उसको इस तरह से लगा लूँगी दोनों साइड पे। दो साइड लगाने के बाद मैं एक चीज़ स्लाइस लूँगी। इस तरह से मैंने एक चीज़ स्लाइस कट करके इसके ऊपर रखा है। अब मैं इसके ऊपर अपना बैटर ऐड करूँगी, इस तरह से ऊपर ऊपर हम बैटर ऐड करेंगे।
बैटर ऐड करने के बाद इसका मैं इस तरह से सेट करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ले जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया है। अब इसी तरह से मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। हम फिर से स्लाइस लेंगे इस तरह से, फिर इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब मैं इसको बेलूँगी। इस तरह से हमारा स्लाइस जो है वो बेल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस रखूँगी। चीज़ स्लाइस रखने के बाद मैं इस पर लई लगाऊँगी फिर से। इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से बाइंडिंग के लिए इसको लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इधर भी लगाऊंगी। इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम अपना बैटर ऐड करेंगे। बैटर ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी सी तरतीब से रखूँगी। तरतीब सेट करने के बाद हम इसको बाइंड कर देंगे। ये नीचे इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अब हम इसको इस साइड पकड़ेंगे और इस तरह से इसको लेकर जाएंगे और प्रेस करेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अंडे और दूध वाले मिक्सचर में डालेंगे। इस तरह से मैं इसको टिप करूँगी। टिप करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और फिर अपने क्रम्स में डालूँगी। इस तरह से हम इसको क्रम्स लगाएंगे हर तरफ। इस तरह से क्रम्स लगाने के बाद हम इसको साइड कर देंगे। और जो हमने पहले स्लाइस बनाया था उसको भी हम क्रम्स लगाएंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से टैप कर दें। उसके बाद इसको यहाँ रख के दूसरा हम लेंगे, फिर से हम इसको अंडा लगाएंगे इस तरह से। अंडा लगाने के बाद साथ इसको करके क्रम्स लगा देंगे। नीचे हमारे क्रम्स भी लग गए। इसी तरह से मैं अपने सारे पार्सल तैयार कर लूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। नीचे ये हमारा तैयार है, अच्छे से बाइंड कर लें, इस पर क्रम्स लगाएं नीचे। क्रम्स लग गए। इस तरह से हम इसको यहाँ रख देंगे। इसी तरह से हम तमाम क्रम्स लगाएंगे और तमाम स्लाइस को इसी तरह से पार्सल की शेप देंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। जी, हमारे पार्सल तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मीडियम सी हीट अपने रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। उसमें हम इनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए, मैंने गरम घी में इसको डाला है। इस तरह से आप इन्हें डालें। मैं एक दफ़ा में ज़्यादा नहीं डाल रही। अब हम इनको पलट लेते हैं। गोल्डन सा शेड जब आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। देखें, इस तरह का शेड आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ स्ट्रेनर में। इनको भी पलट लेते हैं इस तरह से दोनों साइड से। ये शेड जब आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। हल्का सा मैं प्रेस करूँगी ताकि जो थोड़ा सा रह गया है वो भी शेडेड हो जाए। नीचे अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम तमाम पार्सल को फ्राई करेंगे और फिर हमें सर्व करेंगे। इनको बिल्कुल स्लो हीट पर फ्राई कर रही हूँ। इस तरह का शेड आ रहा है ज़्यादा सा। इस तरह का हमें इसको शेड रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना बस। अब फिर हम इनको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा और मैं इनको फ्राई करूँगी और फिर मैंने निकाल दी। ये लीजिए, हमारे ब्रेड चिकन पार्सल तैयार हैं। ये देखें कितने खूबसूरत रंग रूप है। मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से अंदर से इसकी लुक है। ये देखिए किस तरह से इसके अंदर यमी से लुक है, इस तरह की लुक आएगी। होप सो आपको अच्छे लगे हो, जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।